अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जी एच डायरीज। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो आपकी डार्क एल्बो, कुछ लोगों की जो नेक होती है वो ब्लैक हो जाती है डेड स्किन की वजह से, कुछ लोगों के एंकल्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इन सब का हल हमारे पास है। ये सब चीज़ें आपने 2 स्टेप्स में करनी है। आपने सबसे पहले लेनी है चीनी। चीनी जो है, हम एक स्क्रब तैयार कर रहे हैं और चीनी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है। इसके बाद आपने एक आलू लेना है और उससे अच्छी तरह कद्दूकस कर लेंगी, तो इस तरह आप उसका एक जूस निकाल लेंगी। पोटैटो जूस जो होता है ये आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी स्किन के पे जो डार्क एरिया होता है, आपकी डेड स्किन होती है, उससे एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। फिर आप हाफ लेमन ऐड करेंगी इसमें। लेमन भी ब्लीचिंग एजेंट है और आपकी स्किन पे से डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके डार्क एरियाज़ को लाइटन करता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसकी करनी है स्क्रबिंग। अब स्क्रबिंग करने की वजह से आपकी जो डेड स्किन है वो उस जगह से काफ़ी सॉफ्टन हो जाती है और उसकी जो ब्लैक लेयर है वो उतरना शुरू हो जाती है। स्क्रबिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और स्क्रबिंग आपने अपने डार्कर एरियाज़ पे करनी है। आपके नीज़ हैं, आपके एंकल्स हैं, आपके जो नेक है वो ब्लैक हो जाती है। अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 10 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद आपने अपने हाथों को साफ़ कर लेना है और स्क्रबिंग करने की वजह से आपकी डेड स्किन जो है वो काफ़ी हद तक उस जगह से जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी। इसका सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि आपने 1 चम्मच लेना है बेसन। ये हम रेमेडी तैयार कर रहे हैं एक पैक बनाने के लिए, और बेसन जो है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को लाइटन करता है। बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है। और इसके अंदर आपने लेना है 1 चम्मच आलू का जूस। आपने पोटैटो का जो जूस तैयार किया था वो आप इसमें ऐड करेंगे और 1 चुटकी तकरीबन आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। हल्दी हमने यहाँ पे इसलिए ऐड की है कि आपने जो स्क्रबिंग की हुई है, हल्दी उस जगह को हील करेगी और हीलिंग का मतलब है कि उस जगह पे न्यू सेल्स पैदा होंगे। हाफ आपने इसके अंदर लेना है लेमन। लेमन ऐड करने के बाद आप इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगी और इसके अंदर आप ऐड करेंगी गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क जो है वो आपकी स्किन को फ्रेशनेस देता है और आपकी स्किन को नरम और मुलायम रखने में बहुत मदद करता है। आपने इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो जाएं, और मिक्स करने के बाद आपने अपने जिस एरिया पे भी इसे अप्लाई करना है उसे अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने ये पैक अप्लाई कर लेना है। तकरीबन ये आपने हफ्ते में डेली इस्तेमाल करना है और 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपके कोई इतने ख़ास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मगर 7 डे के बाद तो जादू होगा। जहाँ आपकी डेड स्किन है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से उतर जाएगी। और इस रेमेडी के इस्तेमाल के साथ साथ आपने कुछ एहतियातें करनी हैं कि आपकी जो डार्कर एरियाज़ हैं उन्हें अच्छे से ढाँप के रखना है, फुल स्लीव्स पहननी हैं और आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने नीज़ को किसी सख्त जगह पर नहीं टिकाना। 7 दिन के इस्तेमाल के बाद आप रिज़ल्ट देख सकती हैं कि आपके डार्कर पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लाइटन हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।